देखिए ये जो सामने आप खिड़की आप देख पा रहे हैं ना, इसी खिड़की के अंदर भूमिका चावला बैठी रहती है और यहीं से ओढ़नी ओढ़ के नाचो गाना स्टार्ट होता है। ये बहुत सी तोपें यहाँ पे रखी हुई है और यहीं पे बीच में सलमान खान डांस करते हैं तेरे नाम फिल्म के अंदर, इन्हीं तोपों का नज़ारा दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार्स व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सलमान खान की एक फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं। तो सन 2003 के अंदर एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, फिल्म का नाम है तेरे नाम। तो इस फिल्म के अंदर एक गाना आता है, अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो इस फिल्म के अंदर एक गाना आता है ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, तो ये गाना बेसिकली आपने सुना ही होगा और लड़कियों ने तो अधिकतर सुना ही होगा। इस वीडियो के अंदर हम इसी गाने की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाले हैं। तो ये जो गाना है ये राजस्थान के जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से शूट किया गया है। इसके अलावा और भी कुछ लोकेशन दिखाई गई है लेकिन मैं आपको इस गाने की लोकेशन दिखाने वाला हूँ जो कि जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से शूट की गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट जहाँ पे सलमान खान की तेरे नाम फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो तेरे नाम फिल्म में जो गाना आता है ना ओढ़नी ओढ़ के नाचो, उस गाने की इस फोर्ट में शूटिंग हुई है। वैसे सलमान खान की हम साथ साथ है फिल्म की भी इसी फोर्ट में शूटिंग हुई थी, वो वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो फोर्ट का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए अभी हम फिलहाल यहाँ पे नीचे हैं, देखिए कितना ऊंचा कितना बड़ा ये फोर्ट है, इसकी ऊंचाई देखिए एक बार आप, बहुत ऊंचा ये फोर्ट है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ, ऊंचाई के ऊपर और बहुत दूर तक बना हुआ है, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे नीचे हैं और इधर से हम आए हैं। देखिए यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से है, ये इधर जोधपुर की ब्लू सिटी है, अधिकतर जो मकान है यहाँ पे वो ब्लू कलर के हैं, इस वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर के अंदर ही है मेहरानगढ़ फोर्ट, यहीं पे तेरे नाम फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और जो भी सीन फिल्म के अंदर गाने के अंदर यहाँ से दिखाए गए हैं वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। टिकट हमारा लगेगा फोर्ट के अंदर जाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है और यहाँ से हमने टिकट लिया है जो कि 200 रुपये पर पर्सन का यहाँ पे टिकट है। तो अभी हम यहाँ से महल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों देखिए ये जो किला पहाड़ के ऊपर बना हुआ ना, देखिए ये पहाड़ है और इसके ऊपर देखिए ये किला बना हुआ है कितना ऊपर, और बहुत आगे तक ये किला बना हुआ है। यहाँ से देखिए जोधपुर की ब्लू सिटी यहाँ से दिखाई देती है। तो ये है जोधपुर की ब्लू सिटी, यहाँ पे जो अधिकतर जो मकान है वो ब्लू कलर के हैं, इस वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे कच्चे धागे फिल्म भी यहाँ पे शूट हो चुकी है,
यहाँ पे पुलिस चौकी यहाँ पे बनाई गई थी कच्चे धागे फिल्म के अंदर। और देखिए इधर ये तोपें यहाँ पे रखी हुई है उस ज़माने की। तो दोस्तों अभी मैं मेहरानगढ़ फोर्ट के सूरजपोल गेट के अंदर आ चुका हूँ। यहीं से तेरे नाम फिल्म का वो गाना स्टार्ट होता है। तो अभी हम यहाँ से ऊपर चल रहे हैं और ये जो सामने लोकेशन आप देख पा रहे हैं ना फोर्ट का नज़ारा, यहीं से वो गाना स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से है। इसी लोकेशन को तेरे नाम फिल्म के अंदर उस गाने के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पे सामने देखिए ये राजा महाराजाओं की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। और इस जगह को देखिए श्रृंगार चौक बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इस जगह के बारे में, श्रृंगार चौक इसे बोला जाता है। तो देखिए गाने में जो पहला सीन जहाँ से स्टार्ट होता है ना वो जगह ये है। देखिए ये जो सामने आप खिड़की आप देख पा रहे हैं ना, इसी खिड़की के अंदर भूमिका चावला बैठी रहती है और यहीं से ओढ़नी ओढ़ के नाचो गाना स्टार्ट होता है। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, एक सीन के अंदर कैमरा एंगल थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। इसके बाद देखिए एक सीन इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो देखिए इसी खिड़की के अंदर भूमिका चावला बैठी रहती है और ये नज़ारा हमें गाने के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आप मैच कर सकते हैं। देखिए वो जो चुनरी होती है वो ओढ़ के बैठी रहती है भूमिका चावला तेरे नाम फिल्म के अंदर इसी खिड़की के अंदर। तो वो आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से खिड़कियां हैं लेकिन गाने का सीन इसके अंदर से दिखाया गया है। दोस्तों अभी मैं गाने की अगली लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका हूं और गाने का एक सीन देखिए यहाँ से दिखाया जाता है। यहाँ सामने भूमिका चावला वो चुनरी उड़ाती है और ये नज़ारा हमें गाने के अंदर देखने को मिलता है। देखिए स्क्रीनशॉट के अंदर आप मैच कर सकते हैं। तो ये जो चौक आप देख पा रहे हैं ना, इसी चौक के अंदर से गाने का वो सीन यहाँ से दिखाया जाता है। ये देखिए यहीं पे भूमिका चावला डांस करती है, वो चुनरी को उड़ाती है ना गाने में, वो सीन यहाँ से दिखाया गया। देखिए ये सीन मैच कर सकते हैं और देखिए किले का ये जो नज़ारा दिख रहा है ये आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली वो जगह मुझे मिल चुकी है जहाँ पर भूमिका चावला डांस करती है और एक सीन के अंदर जो रंगीन मिरर का जो सीन दिखता है ना जहाँ पे डांस करती है, वो महल यहाँ पे है और ये हमें फाइनली मिल चुका है। इसके अलावा कुछ सीन देखिए इस चौक से दिखाए गए हैं। यहाँ पे सामने बीच में भूमिका चावला डांस करती रहती है गाने के अंदर और ये नज़ारा हमें देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट के अंदर आप मैच कर सकते हैं, वो सीन यहाँ से दिखाया गया है। और इसके साथ ही देखिए एक सीन के अंदर ये नज़ारा दिखता है जब भूमिका चावला यहाँ पे डांस करती है ना, तो इस किले का जो नज़ारा है कुछ इस प्रकार से दिखता है हमें। ये जो चौक है ना इसे होली चौक बोला जाता है और यहाँ पे मतलब होली खेली जाती थी पहले, है ना। और ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे तुलसी का पौधा रखा जाता था। अभी हम जिस महल को ढूंढ रहे थे ना अभी पहले, जिसके अंदर थोड़ा
जो मिरर होता है वो थोड़ा रंगीन दिखाई देता है, तो वो जो सीन है वो यहाँ से शूट किए गए हैं। तो अभी हम चल रहे हैं इस महल के अंदर, और इस महल का जो नाम है वो है मोती महल। इस महल को मोती महल बोला जाता है। ये देखिए, ये है मोती महल। तो यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, और गाने में जो सीन यहाँ से दिखाया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। देखिए, थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, गाने का एक सीन यहाँ से दिखाया गया है। तो देखिए, इसी महल के अंदर भूमिका चावला डांस करती है, और वो जो सीन है गाने का यहीं से दिखाया गया है। यहाँ बीच में डांस करती है, और ये जो रंगीन मिरर आप देख पा रहे हैं ना, इनका नज़ारा दिखता है, तो वो भी आप मैच कर सकते हैं। और ये वाला जो सीन आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से दिखाया गया था। उस टाइम में ये जो बीच वाला जो गेट है, ये गेट खुला था, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे बीच में भूमिका चावला रहती है, और फिर जब ये गेट खुला था ना, तो पीछे का नज़ारा दिखता है। तो वो अभी तो ये गेट बंद है, इस वजह से मैं आपको मैच करवा नहीं सकता हूँ। अभी मैं आपको बाहर चल के वो मैच करवाता हूँ। जिन गेटों का जो सीन दिख रहा है ना, वो बाहर से मैच करवाता हूँ। लेकिन यहाँ पे भूमिका चावला डांस करती रही थी। ये वाली जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ मैच कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम बाहर की तरफ चल रहे हैं वापस, और देखिए ये जो गेट आप देख पा रहे हैं, इनका नज़ारा दिखता है। तो एक सीन के अंदर देखिए, जो भूमिका चावला होती है वो इधर सामने से आती है, ये सीन दिखता है। ये जो तीन दरवाजे गेट जो बने हुए हैं, इन्हें आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। वो सीन यहाँ से इस चौक से दिखाए गए हैं। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीनशॉट वाला सीन आप देख पा रहे हैं ना, ये सीन देखिए यहाँ सामने से ही शूट किया गया था। यहीं पे जो भूमिका चावला होती है वो डांस करती है, लेकिन इस सीन के अंदर जो कैमरा एंगल है वो शायद इधर से किया गया था, इस वॉल के ऊपर से। तो ये नज़ारा दिखता है स्क्रीनशॉट के अंदर। देखिए, ये महल का जो नज़ारा दिखता है वो आप मैच कर सकते हैं। परफेक्ट तो मैच यहाँ से हो नहीं सकता है, क्योंकि कैमरा एंगल ही यहाँ इधर दूसरी साइड से किया गया था, इस वजह से परफेक्ट यहाँ से मैच हो नहीं सकता है। लेकिन देखिए, मैं भी शायद यहीं पे भूमिका चावला खड़ी रह के डांस करती है गाने में, और ये नज़ारा दिखता है। देखिए, ये आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सीन को गाने के अंदर यहाँ से दिखाया जाता है। दोस्तों, अभी हमने पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट विज़िट कर लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ से देखिए लास्ट कॉर्नर की तरफ चल रहे हैं, और यहीं पे वो बहुत सी तोपें रखी हुई है, और शहर का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम चल के आपको दिखाते हैं नज़ारा, और जो सीन दिखाया गया ना यहाँ से, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो फाइनली अभी हम यहाँ पे ऊपर किले के कॉर्नर में पहुँच चुके हैं, लास्ट एंड में। यहीं पे ये देखिए, ये बहुत सी तोपें यहाँ पे रखी हुई है। ये जो वॉल है ना मेहरानगढ़ फोर्ट की, इसके ऊपर ये बहुत सी तोपें यहाँ पे रखी हुई है। और यहीं पे बीच में सलमान खान डांस करते हैं तेरे नाम फिल्म के अंदर, इन्हीं तोपों का नज़ारा दिखाई देता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखिए ये जो वॉल है, ये जो दीवार है आगे तक जा रही है, और आगे फिर देखिए सामने एक मंदिर बना हुआ, बहुत प्राचीन मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। आप भी कभी आए यहाँ पे तो ज़रूर मंदिर में जाके आएँ। ये सामने मंदिर है माता जी का, और इधर फिर इस प्रकार से वापस ये दीवार आ चुकी है। इस दीवार के ऊपर इधर सामने भी ये तोपें यहाँ पर रखी हुई है। तो देखिए, तेरे नाम फिल्म के अंदर गाने में जो सीन दिखाया गया ना, वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। देखिए, यहाँ बीच में सलमान खान डांस करते हैं, यहाँ पे बीच में सलमान खान डांस करते हैं, और ये जो तोपें हैं, इन तोपों का नज़ारा दिखाई देता है यहाँ पे। और यहाँ पे तोपें लगाई गई थी बीच बीच में, ठीक है, जब शूटिंग यहाँ पे हुई थी, तो इन तोपों का नज़ारा दिखता है। और एक सीन में देखिए, जो सलमान खान तोप के साथ में रहते हैं ना, तो इन्हीं में से कोई एक तोप के पास में रहते हैं,
ये देखिए उसी प्रकार का नज़ारा है हम तोपों का, ठीक है। एक सीन के अंदर जो कैमरा एंगल है वो ऊपर से किया गया था, जिससे जोधपुर शहर का पूरा नज़ारा दिखाई देता है इन तोपों के साथ साथ में। तो देखिए ये पूरा जोधपुर शहर यहाँ से दिखाई देता है, और यहाँ बीच में सलमान खान डांस करते हैं। वैसे इस गोल के जैसे हम आगे चलते हैं ना, तो आगे भी इस प्रकार से तोपें रखी हुई है बीच बीच में। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तेरे नाम फिल्म के ओढ़नी ओढ़ के नाचू गाने की शूटिंग लोकेशन दिखाई, जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट से शूट की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है जो इस गाने की लोकेशन का मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो दिखाने वाला हूँ मंडोर के अंदर। एक जगह है वहाँ पर कुछ छतरियाँ बनी हुई है, वहाँ से भी इसी गाने के कुछ सीन शूट किए गए थे। तो वो जो लोकेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम इसी फिल्म शूटिंग लोकेशन के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।